नमस्कार, मैं हूं धनश्री के ज्ञान न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि शिवराज सिंह सरकार कन्या विवाह योजना और लाडली लक्ष्मी योजना को फिर से शुरू करने जा रही है। कांग्रेस सरकार द्वारा इन योजनाओं को बंद कर दिया था। सारंग ने कांग्रेस नेता अरुण यादव के बयान पर कहा कि अरुण यादव के साथ जितना अन्याय हुआ है उतना किसी कांग्रेसी के साथ नहीं हुआ। कन्या विवाह योजना और लाडली लक्ष्मी योजना को लेकर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि कांग्रेस सरकार द्वारा बंद की गई योजनाओं को फिर से शिवराज सरकार शुरू करेगी। हमारी कन्या विवाह, तीर्थ दर्शन और लाडली लक्ष्मी योजना को अन्य राज्यों में भी अपनाया है। पचमढ़ी में हुई चिंतन बैठक में लिया निर्णय कि लाडली लक्ष्मी योजना विस्तारित रूप से लागू होगी। कांग्रेस सरकार ने अपने ऐशो आराम के लिए पैसा बचाया, लेकिन गरीब की योजनाओं को उन्होंने बंद कर दिया था। शिवराज सरकार गरीब के हित की सरकार है। मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया है कि कांग्रेस की सरकार के समय जो जो योजनाएं कांग्रेस ने बंद कर दी थी, हमने उसको फिर से शुरू किया है। हमारी वो योजना जो कि पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में, जिसको अन्य सरकारों ने भी अडॉप्ट किया, लाडली लक्ष्मी योजना हो या मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो या तीर्थ दर्शन योजना हो, हमने पचमढ़ी की चिंतन बैठक में ये निर्णय लिया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया था कि इन सब योजनाओं को फिर से हम शुरू करेंगे। तीर्थ दर्शन योजना की पहली ट्रेन कल काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन के लिए रवाना हुई है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में भी हमने राशि बढ़ाकर 55,000 रुपये कर दी है। लाडली लक्ष्मी योजना भी हम बहुत विस्तारित रूप से लागू कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार ने अपने ऐशो आराम के लिए तो पैसा बचाया था। कमलनाथ जी और कमलनाथ के मंत्रियों के बंगलों पर तो करोड़ों रुपए खर्च हुए थे, परंतु गरीब की योजनाओं को उन्होंने बंद कर दिया था। हमारी सरकार ने उसको फिर से शुरू किया है। हमारी सरकार गरीब के हित की सरकार है, चाहे वो संबल योजना हो या अन्य योजना जिससे गरीब का हित जुड़ा हुआ है, उन योजनाओं को हम फिर से शुरू कर रहे हैं और हितग्राहियों को ज्यादा से ज्यादा उसका फायदा मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। सारंग ने कांग्रेस नेता अरुण यादव के बयान पर कहा है कि अरुण यादव के साथ जितना अन्याय हुआ है उतना किसी कांग्रेसी के साथ नहीं हुआ। सारंग ने कहा है कि कमलनाथ और दिग्विजय ने अरुण यादव को घर बिठाने का षड्यंत्र रचा है। अरुण यादव के साथ जो नाइंसाफी हुई है उसके प्रति उनके मन में खींच होना लाजमी है। कमलनाथ की पूर्व अध्यक्षों के साथ बैठक पर मंत्री सारंग ने कहा है कि कमलनाथ जब सीएम थे तब कांग्रेस के नेताओं को बुलाकर बात कर लेते तो अच्छा होता, कांग्रेस के सभी अभियान फ्लॉप साबित हुए हैं। अच्छा होता, जब मुख्यमंत्री थे तो कांग्रेस के नेताओं को बुला के बातचीत कर लेते तो आज ये स्थिति नहीं बनती। उस समय तो वो चलो चलो कहते थे, आज कह रहे हैं आओ आओ, तो अब तो रेलगाड़ी निकल गई, अब कांग्रेस की कहीं स्थिति नहीं बची। कांग्रेस के जो भी अभियान कमलनाथ जी ने चलाए वो टाइटाए फिस हो गए। सदस्यता अभियान पूरी तरह से विफल रहा है। घर घर चलो अभियान का कहीं पता नहीं है। कांग्रेस के नेताओं की अब चमचागिरी करके अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश में कमलनाथ जी लगे हैं। पूर्व अध्यक्षों को उन्होंने बुलाया है, जब वो मुख्यमंत्री थे जब तो वो अपने मंत्रियों तक से नहीं मिलते थे, चंद सेठों से मिलकर सरकार चलाकर वो पार्टी उनके हाथों बेचना चाहते थे। अब केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो इस तरह की कवायद कर रहे हैं, परंतु अब देर हो गई है कमलनाथ जी। सारंग ने कहा है कि कमलनाथ जब मुख्यमंत्री थे तो अपने मंत्रियों से तक नहीं मिलते थे, केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए कमलनाथ ये कवायद कर रही है। भोपाल से संवाददाता आदिल खान की रिपोर्ट। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।